देखिए आखिरी चरण का रण पूर्वांचल की ओर ज्यादा जोर पकड़ता नजर आ रहा है, इसीलिए दिग्गजों का जमावड़ा देखा जा रहा है। इसी क्रम में जेपी नड्डा को देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो इस वक्त काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव की दर्शन पूजन कर रहे हैं और उनके साथ तमाम कार्यकर्ता, और हैट्रिक का समीकरण इसके लिए आशीर्वाद मांगने के लिए इस वक्त मौजूद है वाराणसी में जेपी नड्डा, और इनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं बाबा काल भैरव के मंदिर में दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना के लिए, और कहा यह जाता है कि बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लेना इस वजह से जरूरी है क्योंकि नगर कोतवाल माने जाते हैं बाबा काल भैरव। नड्डा जी आशीर्वाद ले लिया? जी आशीर्वाद ले लिया। यहाँ की अपनी मान्यता है जी, मैं जब भी वाराणसी आता हूँ, काशी आता हूँ, तो काल भैरव के दर्शन करता हूँ, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ, और बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत सद्गुणों के साथ हम आगे काम कर सके। मंदिर जाते हैं, विपक्ष कहता है धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा है, जो लोग चुनाव के दौरान मंदिर जाते हैं वो धर्म की राजनीति करते हैं जी। हम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ ये विषय है और हम हर एक समय जाते हैं। नमः पार्वती पते चुनाव के दौरान जो लोग मंदिर जाते हैं वो जो धर्म की राजनीति करते हैं, ये कहना है नड्डा जी का। नड्डा जी फिलहाल जो है बनारस में ही मौजूद है। नड्डा जी ये सबके बीच में आरोप प्रत्यारोप भी बहुत चल रहा है, फिलहाल जो है जेपी नड्डा काल भैरव मंदिर के दर्शन करके बाहर निकलते हुए, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं वो सिर्फ चुनावों के दौरान ही मंदिर जाते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, जब भी चुनाव नहीं भी होता है और काशी आते हैं तो बाबा काल भैरव के दर्शन भी करते हैं और बाबा विश्वनाथ के भी। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज वाराणसी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।